होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। आज मेरे साथ साथ विद्यालय व सभी शिक्षकों के लिए भी एक गौरवशाली पल है जब हमारे द्वारा पढ़ाया गया छात्र ही हमारे विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे विद्यालय की होनहार प्रतिभावान भूतपूर्व छात्रा कुमारी खुशबू गैरवाला का। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए जोश और जल्द से भरपूर खुशबू गैरवाला का। कर देती हूँ, एक गिरते तारे को भी अनदेखा सा कर देती हूँ, शब्दों की लहरों पे बस चलने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो बस एक लड़की हूँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ। तो सभी को मेरा नमस्कार। कि सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, पीछे क्यों कदम हर बार करता है, और लोगों की बातों से ऊपर उठ जा तू, देख आसमान तेरा इंतजार करता है। सबसे बड़ी चीज जो डर हमें एक होता है, स्टेज पे चढ़ने का डर, अपने टैलेंट को दूसरों तक पहुंचाने का डर। क्या हो, फूलों की तरह मत जीना, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, कि जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। तो अपने सपने के लिए, अपने सपने के लिए इतना स्ट्रांग रहिए। आपको अगर कुछ करना है जिंदगी में, मत सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। अपने सपने के लिए अगर आप एक बार दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ रहे हैं ना कि मुझे यही काम करना है, मैं कर लूंगा, तो मेरा विश्वास कीजिए आप कर लेंगे। भले आज नहीं तो थोड़ा वक्त लगेगा, नहीं है। आप खुद सोच रहे कि आप सब बच्चे हैं, आपस में किसमें बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। कोई अपने फ्रेंड से बात करता हो सुबह, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू हाउ आर यू डूइंग, सब हिंदी में बात करते हैं। कुछ दिल खोलो कि किसी से बात कहनी हो, चाहे आप अच्छे मूड में हैं चाहे बुरे में, कैसे बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। अपने परिवार वालों से हिंदी में बात करते हैं। जब आप कॉन्शियस नहीं हैं, सपने भी हिंदी में ही तो आते हैं सबको, तो जब अपनी बात कहीं पे कहनी हो तो हमें क्यों लगता है कि हिंदी में बोलेंगे तो नहीं, हमारा इमेज अच्छी नहीं बनेगी, लोगों को लगेगा हमें कुछ नहीं आता। छोड़ दो लोगों की बातें। लोग वो कहते हैं ना कि लोगों का काम तो है कहना, जैसे दो पंक्तियां मेरी भी है कि पंख तो है पर उड़ने की कोशिश नहीं करती, पंख तो है पर उड़ने की कोशिश नहीं करती, ये सोच है दुनिया की जो उठने की कोशिश नहीं करती। तो दिस इज ऑफ स्कूल, आपको तब एहसास होगा तो जितना आप स्कूल में है, स्कूल की अहमियत को समझिए, ये बहुत अहम है। और दूसरी बात ये कि आज भी कॉम्पिटिशन, जो डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, जब भी स्कूल में कोई एक्टिविटी होती है उसमें जरूर आगे बढ़कर आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। अभी अगर मैं इतनी भीड़ में से किसी एक को रेंडमली उठा के यहाँ खड़ा कर दूँ कि कुछ बोलो, तो थोड़ी देर तो ऐसा रहेगा कि अच्छा मैं क्या बोलूँ, हार्ट बीट तेज रहेगी, शायद यहाँ पर पहले सोचे कि अच्छा मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सब हंसने लगेंगे। तो आपकी जो असल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो स्कूल